नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की इस सीरीज जिसका नाम है टॉप 10 वाली क्लास। जी हाँ, टॉप 10 वाली क्लास, जिसमें कि हम करते हैं रोज एक चैप्टर खल्लास। तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं 5 को खत्म, चैप्टर 5 जिसका नाम है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्लास बाकी सभी क्लासों से बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है, क्योंकि इस क्लास में न सिर्फ हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं बल्कि उनकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाते हैं, हर प्रकार का डाउट भी आपका कंप्लीट करवाते हैं। तो ये बाकी सभी पुरानी क्लासों से बहुत ज़बरदस्त सीरीज हमारी चल रही है। इस सीरीज में आपको कोई भी प्रकार का डाउट है, कोई भी प्रकार का दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स का उत्तर आपको अवश्य दूंगा। इसके अतिरिक्त आप इस वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि इस विपरीत परिस्थितियों में उनकी भी हमारी ओर से कुछ हेल्प हो सके, हमारी ओर से कुछ मदद हो सके। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हमारी प्यारी इकोनॉमिक्स की क्लास। हाँ जी, पहले हमारा मोटिवेशन ले लेते हैं जी। बहुत अच्छी बात आज की क्या है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो लगे रहिए, डटे रहिए तब तक कि जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है। चलिए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस बेहतरीन मोटिवेशन के बाद में मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी नींद से, नींद का मतलब नियमित सोने वाली नींद नहीं, आप अपने लक्ष्य से जो भटकाव वाली नींद है उससे जाग गए होंगे। तो चलिए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। मांग की कीमत लोच क्या है जी? ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज मीन, क्या है इसका, समझिए इसका मतलब समझते हैं विद्यार्थियों। आइए, श्रीमती रॉबिन्स के अनुसार मांग की कीमत लोच की परिभाषा क्या है कि किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के जवाब में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। देखिए, बहुत ही आसान सी परिभाषा है, मतलब समझिए इसका। जब कीमत में क्या होता है, परिवर्तन होता है, कीमत पर मांग की लोच क्या है, कीमत में जब थोड़ा सा परिवर्तन होता है, मान लिए पहले कोई चीज़ 30 रुपया पर किलो के हिसाब से मिल रही थी और बाद में उसकी रेट बढ़ के 40 रुपीस पर केजी हो गई है, पहले 30 रुपीस पर केजी थी और बाद में 40 रुपीस पर केजी हो गई है, और जब कीमत बढ़ती है, आदमी का बजट तो नहीं बढ़ रहा, इनकम तो नहीं बढ़ रही, तो क्या हुआ, कीमत बढ़ी, और कीमत बढ़ती है तो फिर क्रय की गई मात्रा में भी क्या आता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आता है। तो कीमत का परिवर्तन मान लीजिए पहले जब 30 रुपया किलो कोई चीज़ थी, तो मान लीजिए चीनी ही मान लीजिए, शुगर ही मान लीजिए, 30 रुपीज़ पर केजी जब शुगर थी, तो कोई व्यक्ति अपने घर के लिए 5 किलो शुगर लेकर आता था, ठीक है, 5 किलो शुगर लेकर आता था, लेकिन उसने अब शुगर कितनी शुरू कर दी जी, 4 किलो लाना ही शुरू कर दी है, ठीक है। तो पहले कितनी लाता था, 5 किलो लाता था, अब कितनी लानी शुरू कर दी है, 4 किलो लाना शुरू कर दी है। तो आनुपातिक परिवर्तन, इनके बीच में जो रेशियो है, मात्रा में भी परिवर्तन आ गया और कीमत बढ़ गई और मात्रा कम हो गई, इनके बीच में जो रेशियो तैयार होता है, इसे ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। कोई प्रकार का डाउट, कोई प्रकार की टेंशन, कोई प्रकार की समस्या इस लेक्चर के बाद इकोनॉमिक्स के इस सबसे हार्ड लगने वाले टॉपिक में बिल्कुल नहीं होने वाली है। आप कीमत की लोच में इलास्टिसिटी, आपकी बॉडी इलास्टिसिटी हो जाएगी, आपको मजा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। समझ में आ गई ना बात? देखो क्या है कि जब किसी चीज की कीमत में परिवर्तन होता है, 30 रुपए किलो की चीज 40 रुपए की हो गई, तो उसकी चीज को खरीदने वाला जो है ना, वो भी अपने अंदर क्या करेगा, कुछ परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो पहले वो चीज ला रहा था 5 किलो, अब कितनी लानी शुरू कर दी थी, 4 किलो लानी शुरू कर दी। समझ में आ गया? इनके बीच में जो रेशियो तैयार होता है, इनके बीच में जो रिलेशन तैयार होता है, उसे ही विद्यार्थियों मांग की कीमत लोच कहते हैं। सबको अगर समझ में आ गया, थम्स अप करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यहां से आप कहोगे कि सर देखो, एक के बाद सीधा 2 से 6 उठाते हो। हाँ जी, ये क्वेश्चन ही बड़ा है। इस क्वेश्चन में आपके पूरे 5 प्रश्न हम एक साथ ही कवर करेंगे। क्या है मांग की
लोच की विभिन्न श्रेणियों को चित्र बनाकर समझाइए। एक एक चीज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, एक दो नहीं है, पांच है जी ये श्रेणियाँ। तो पांचों श्रेणियों को हम यहाँ समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। क्या होता है, सबसे पहली होती है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड इज लोचदार डिमांड, है ना, इलास्टिक डिमांड। थर्ड अत्यधिक लोचदार, हाईली इलास्टिक डिमांड। फिर बेलोचदार, इन इलास्टिक डिमांड। और फिर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो समझ लीजिए आप, देखो सबसे पहले तो परफेक्टली इलास्टिक, फिर इलास्टिक, फिर हाईली इलास्टिक, फिर इन इलास्टिक, और फिर बाद में परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इस तरह पांच भागों में हम इसको डिवाइड करके यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है पूर्णतया लोचदार मांग, जिसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक डिमांड को हम अपनी सुविधा के लिए ईडी करके दिखाते हैं। इसको कहेंगे ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि भाई पूर्णतया लोचदार है। पूर्णतया लोचदार मांग की अवस्था वह होती है जिसमें वस्तु की प्रचलित कीमतों पर मांग अनंत होती है। वस्तु की प्रचलित कीमतों पर मांग अनंत होती है, मांग का कोई बहुत ज़्यादा होती है ना, प्रचलित कीमतों पर। तो इस अवस्था में कीमत में जरा सी वृद्धि मांग को शून्य तथा कमी मांग को अनंत कर देती है। अब आप इसको देखो, थोड़ा एग्जाम्पल से समझो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई लंबे टाइम से कोई चीज़ जो है ना एक रेट में बिकी आ रही है, बिकती आ रही है, बिकती है। जैसे आप देखो पार्ले जी का उदाहरण लो, पार्ले जी का बिस्किट कितने का, सब कहेंगे जब 5 रुपये का। पार्ले जी कितने का, 5 रुपये का, सीधा दिमाग में क्लिक करता है 5 रुपये पार्ले जी, 5 रुपये पार्ले जी। क्यों, क्योंकि प्रचलित कीमतों पर इसकी मांग क्या है, अनंत। कल को पार्ले जी जो है वो अपनी कीमत क्या कर देता है, 10 रुपये कर देता है। यानी क्या कर दी उसने, कीमत बढ़ाई। जैसे कीमत बढ़ाई उसकी मांग अरे शून्य, भाई तेरी कीमत इतनी है इससे ज़्यादा तू बढ़ मत। तो इससे क्या होने वाली, इसकी मांग को शून्य को जाएगी तथा कमी मांग को क्या कर देती है ना, और वो 4 रुपये कर दे तो और मांग बढ़ जाएगी, 3 रुपये कर दे तो और मांग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वृद्धि कर देता है तो फिर मांग कम हो जाती है। यह काल्पनिक स्थिति है, वास्तविक जीवन में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है, इसलिए ध्यान रखें ये एक इमेजनरी है, कम ही होता है ऐसा, कंप्लीटली ऐसा नहीं होता है। इस अवस्था में एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है और वह आधार रेखा के समांतर होता है, जैसा कि निम्न चित्र से स्पष्ट है। यहाँ पर आप चित्र को समझेंगे तो और अच्छे से चीज समझ में आएगी। देखिए ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है पूर्णतया लोचदार। यहाँ पर देखिए मांग की मात्रा, मांग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन कीमत को क्या रहना पड़ता है, कॉन्स्टेंट। मांग चाहे कितनी बढ़ जाओ कीमत क्या रहेगी, कांस्टेंट। कीमत क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ओपी, ओ से लेकर पी, ये है ओपी। ओपी पर वस्तु की मात्रा कुछ भी हो, ओ क्यू, ओ क्यू वन या ओ क्यू टू या इससे भी कुछ भिन्न, परंतु इसकी जो ये डिमांड है ना वो एक ही रहने वाली है। डी डी क्या रहने वाला, एक ही रहने वाला है। यही है आपके पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता मांग का, कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखेंगे। अगर अगर देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पर क्या कर दे, ये कीमत को हल्का सा भी बढ़ा देंगे, अगर हल्का सा भी बढ़ा देंगे तो या तो लोग इसकी मांग को क्या कर देंगे, कम, एकदम ही जीरो कर देंगे, और अगर हल्का सा कम कर देंगे तो और भयंकर लोगों जो इसकी मांग जो है वो बढ़ जाएगी, मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई आप सबको बात बेहतरीन तरीके से। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, सॉरी क्योंकि अगला प्रश्न ही मानिए आप, सॉरी तो क्यों कहूँ मैं, अगला प्रश्न ही मानिए लोचदार मांग। देखिए पहला आपने समझ लिया कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक। अब समझिए इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड ए डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर होता है 1, वहाँ पर था इनफाइनाइट, यहाँ पर होता है 1। अब इसको समझिए, लोचदार मांग की स्थिति तब होती है जब मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो जाता है। समझिए मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ऐसी अवस्था में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, मांग की लोच इकाई यानी 1 के बराबर होती है। उदाहरण के लिए यदि कीमत में 20% वृद्धि होने पर मांग में 20% कमी हो जाए तो ऐसी वस्तु की किसी वस्तु की ऐसी मांग लोचदार मांग कहलाएगी। यह स्थिति निम्न चित्र में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छे समझिए चीज़ों को एक एक करके,
ठीक है ना, क्या हुआ कि भाई मांग और कीमत इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, एकदम बराबर हो गया। समझिए, देखिए ये कीमत है, ये कीमत वाला है और ये वस्तु की मात्रा है। अब वस्तु की मात्रा जब यहाँ पर थी तो कीमत ज़्यादा थी, तो कीमत क्या थी, ज़्यादा थी, है ना। अब आपने क्या कि मात्रा बढ़ाई तो कीमत थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरीके से क्या बना, देखिए कीमत क्या हो गई, कम हो गई। कीमत उसी रेशियो में कम हुई है जितने रेशियो में मांग बढ़ी है, है ना। आपने थोड़ा ज़्यादा बढ़ाई, देखो यहाँ से यहाँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या कर दिया, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया मांग की कीमत, तो फिर इतना ही। मतलब कहने का मतलब समझिए आप, ये चीज़ एकदम आराम से आप समझ जाइए क्या है। कीमत उतनी ही बढ़ती है, कीमत क्या है, उतनी ही बढ़ती है, लोचदार मांग में कीमत उतनी ही बढ़ जाती है जितना क्या होता है, आपके मांग में परिवर्तन होता है। मांग जितनी ज़्यादा बढ़ती है कीमत उतनी ज़्यादा कम होती है, यानी रेशियो क्या रहता है, बराबर रहता है। समझ में आ गई ना बात आपको, रेशियो क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला ग्राफ ही है, इसका ध्यान रखें, नीचे वाला आगे वाले के लिए है, तो वो मैं यहाँ पर आपको वापस समझाऊंगा। ये ऊपर वाला ही है, इसको समझिए वापस से। देखिए चित्र को देखने से स्पष्ट है कि ओपी कीमत पर, ओपी देखिए, ओपी ढूंढिए मेरे साथ, ओपी, ओपी कीमत पर ओक्यू, ओक्यू है, जब कीमत बढ़कर ओपी वन हो जाती है तो मांग घटकर ओक्यू वन हो जाती है। एक्स चित्र में कीमत में परिवर्तन पीपी वन, मांग में परिवर्तन क्यूक्यू वन के बराबर है। मांग की मात्रा तथा मांग की कमी उसी अनुपात में है, किस अनुपात में वृद्धि हुई है, प्राय आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, ठीक है। आरामदायक वस्तुएं जो होती हैं उनकी लोचदार मांग होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है सापेक्ष दया लोचदार, इसको क्या बोलते हैं, या अत्यधिक लोचदार, हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड में ईडी जो है वो वन से बड़ा होता है, ईडी इज ग्रेटर देन वन। अत्यधिक या अधिक लोचदार मांग की अवस्था में मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से ज़्यादा होता है। मांग में जो परिवर्तन है वो कीमत के परिवर्तन से ज़्यादा है। जैसे यदि वस्तु की मांग परिवर्तन 25% से ज़्यादा हो और कीमत में परिवर्तन केवल 10% हो, मतलब मांग में तो 25% से ज़्यादा लेकिन कीमत जो है वो थोड़ी सी ही कम की है, मांग तो भयंकर बढ़ रही है लेकिन कीमत आप थोड़ी थोड़ी कम कर रहे हो, तो ऐसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार हो जाएगी। आमतौर पर विलासपूर्ण वस्तुओं की मांग की लोच ऐसी ही होती है। ये जो दूसरा आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये इसी का है, इसको गौर से देख लीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हुआ जी, यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि मांग तो बढ़ी लेकिन मांग बढ़ने के साथ कीमत उतने रेशियो में नहीं बढ़ी जितनी मांग बढ़ी है, ठीक है। मांग तो बढ़ी लेकिन कीमत उतने रेशियो में नहीं बढ़ पाई है, ये ही इसकी सबसे बड़ी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आती है बेलोचदार, इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड में देखिए वन, ये देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आप पकड़ लीजिएगा, यहाँ पर ईडी इज़ ग्रेटर देन वन, यहाँ पर ईडी इज़ लेस देन वन हो जाता है। ईडी क्या हो जाएगा, वन से लेस हो जाएगा। जब किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसमें कम हो जाता है, तो ऐसी वस्तु की मांग बेलोचदार मांग कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि वस्तु की कीमत 30% कम हो और मांग में केवल 10% वृद्धि हो तो इसे बेलोचदार मांग कहेंगे, ठीक है ना। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की कीमत में 30% कम हो जाए और मांग में केवल 10% वृद्धि हो, कम तो कितना हो गया 30% वस्तु की कीमत कम हो गई लेकिन इसकी मांग खाली 10% ही बची है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये ना फर्जी चीज़ें होती है ना, उसमें ही होता है ज़्यादा, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, कीमत कम करते रहते हैं, कीमत कम कर सस्ती 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 करते रहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ही लोग उसको खरीदते हैं, ठीक है। ये देखिए ये तो ईडी इक्वल्स टू वन ही है, यहाँ पर फिर आ जाता है जी शून्य लोच। एक सेकेंड, उपरोक्त में डीडी मात्रा वक्र, जब वक्र ओपीयू है तथा ओक्यू है तथा ओपीक्यू वन से ओपीक्यू वन हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़कर ओपीक्यू वन हो जाती है। कीमत में परिवर्तन बीपी वन की तुलना में मांग में परिवर्तन ओपीक्यू वन कम है, अतः मांग बेलोचदार कही जाती है, ठीक है। यहाँ मांग बेलोचदार होगी, इसको थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ईडी जो है वो यहाँ पर लेस देन वन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है शून्य लोच। शून्य लोच क्या होती है, शून्य लोच होती है भैया मांग हो जाएगी कांस्टेंट, कीमत बढ़ाते जाओ,
कीमत आप बढ़ाओ घटाओ कुछ करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मांग रहती है एकदम कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा वास्तविक जीवन में कम ही देखने को मिलता है, ठीक है, वास्तविक जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ये ध्यान रखें आप। क्या है इसको बोलते हैं, शून्य लोच या फिर बेलोचदार, जीरो इलास्टिसिटी या फिर इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू जीरो। जब वस्तु की कीमत परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग अपरिवर्तित रहे तो ऐसी मांग को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इस अवस्था में मांग की लोच है और शून्य होती है। और यहाँ पर देखिए, यदि इस दशा में मांग वक्र वाई अक्ष के क्या हो गया, एकदम समानांतर हो गया, आप देख सकते हैं एकदम इसके समानांतर हो गया, कीमत कीमत बढ़ाते जाओ, मांग एक बार कांस्टेंट रहते, लेकिन ध्यान रखें यह कोरी कल्पना है, वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलती है। चलिए ये हो गए आपके, देखो एक साथ हमने 6 प्रश्न पढ़ लिए। एक बार मैं दोबारा सारी चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहे। सबसे पहला हमने पढ़ा क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा पूर्ण लोचदार मांग। पूर्ण लोचदार मांग में क्या हो रहा है, पूर्ण लोचदार मांग में आप कीमत कांस्टेंट रहती है, मांग भली बढ़ती जाओ। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, दूसरी चीज़ बच्चों हमने ये पढ़ी कि लोचदार मांग क्या है। लोचदार मांग है कि भैया बराबर है ना कीमत, और देखिए कीमत जैसी बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से बात है कि कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी, लेकिन इनका जो बढ़ना घटना है उसका जो रेशियो होगा वो एकदम बराबर होगा, ठीक है। अगला क्या पढ़ा हमने, अगली चीज, एक सेकंड, इसके बाद हमने पढ़ा है आपके सापेक्ष लोचदार है ना, हाईली इलास्टिसिटी। हाईली इलास्टिसिटी में क्या होने वाला है कि मांग में ज़्यादा परिवर्तन होगा, मांग में तो ज़्यादा परिवर्तन लेकिन कीमत में बहुत कम परिवर्तन। अब देखो आप एप्पल के फ़ोन के लिए देखो, एप्पल के फ़ोन की मांग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो अपनी कीमत घटाता है क्या, कीमत नहीं घटाता है। और अगर बहुत ज़्यादा ही डिमांड हो जाते तो थोड़ी बहुत कम कर लेते हैं, ज़्यादा कम नहीं करते हैं, तो ये क्या होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, बेलोचदार, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो जिसको, है ना, ये समझिए। लेकिन बेलोचदार में क्या होगा, यदि वस्तु की कीमत जो है, कीमत वो बहुत ज़्यादा कम कर दे लेकिन मांग में थोड़ा बहुत ही परिवर्तन हो, ठीक है, ऐसा घटिया वस्तुओं के साथ होता है, ठीक है। आप देखिए जो बड़े सस्ते वाले फ़ोन होंगे ना, वो क्या करेंगे, अपनी कीमत, हाँ जी 90% ऑफ है ना, 90% ऑफ, 99% ऑफ, ऐसे ऐसे ऑफर लगाते हैं, और उस ऑफर से क्या है ये, वो अपनी चीज़ कीमत कम करते जाते हैं, कीमत कम करते जाते हैं, लेकिन वो उस कम की गई कीमत में कोई बहुत कम ही अपने कस्टमर्स को बढ़ा पाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं हम बेलोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, बेलोचदार भी आ गई आपको समझ में, ये भी आ गया, और यहाँ पर शून्य लोच भी समझ में आ गई, जहाँ पर मांग बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप देखिए 7 से 10 प्रश्न, यानी कि यहाँ पर भी आप कुल 4 प्रश्नों को एक साथ देखने वाले हैं। देखिए मांग की कीमत लोच की विधियों को समझाइए, तो एक प्रश्न तो ये बन गया कि मांग की कीमत लोच की विधियाँ कौन कौन सी है। दूसरा, ये 3 अलग अलग विधियाँ हैं, आनुपातिक प्रतिशत विधि जिसको हम परसेंटेज मेथड बोलते हैं, फिर हम कुल व्यय विधि यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और ज्यामिति अथवा बिंदु यानी ज्योमेट्रिकल और अ पॉइंट मेथड, इनको हम समझेंगे। आइए शुरू करते हैं, ये पहला प्रश्न का तो उत्तर हो ही गया। आगे देखिए, आनुपातिक या प्रतिशत विधि, इसे समझिए। देखिए रेशनल मेथड क्या है, ये परसेंटेज मेथड क्या है, इस रीति का प्रतिपादन फ्लक्स द्वारा किया गया है। कौन है ऐसे इकोनॉमिस्ट, कौन थे जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, तो वो है फ्लक्स। फ्लक्स द्वारा किया गया है। इस विधि के अनुसार मांग की लोच निकालने के लिए मांग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन द्वारा भाग दिया जाता है। समझिए क्या है, इस विधि के अनुसार क्या है, मांग की लोच अगर मैं निकालनी है तो मांग में होने वाले आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन, इसको देखो फॉर्मूले से समझ में आएगा। देखिए अगर आपको क्या निकालनी है, आपको इलास्टिक डिमांड निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, दोनों परसेंटेज में है। कैसे निकाला जाता है, मांग में परिवर्तन अगर आपको निकालनी है तो मांग में परिवर्तन कैसे निकलेगी, जो पहले थी जो अब है, Q1 माइनस Q और P1 माइनस P, यानी डिफरेंस अपॉन Q अपॉन डिफरेंस अपॉन P, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q इंटू
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी और पी अपॉन पी इंटू क्यू, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। यानी मांग में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक मान अपॉन कीमत में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक कीमत, इसी को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, आनुपातिक मेथड बोलते हैं। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से बहुत अच्छे से हम चीज़ों को समझ पाते हैं। माना कि सेब की कीमत के ₹100 प्रति किग्रा होने पर सेब की मांग 200 किग्रा है, ठीक है ना। सौ रुपये की कीमत है, ₹100 की कीमत होने पर 200 किलो की डिमांड है। यदि सेब की कीमत ₹80 हो जाएगी तो इसके फलस्वरूप 250 किग्रा हो गई। तो अब देखो क्या चीज़ हो गई। उदाहरण में अपने पास पी प्राइस, पहले जब प्राइस कितना था 100 और फिर P1 कितना हो गया 80, वहीं पहले मांग कितनी थी 200, फिर Q1 कितना हो गया 250, तो Q का डिफरेंस आ गया 50 और P का डिफरेंस आ रहा है 20। तो इसी 50 और 20 के अंदर अपने को निकालना होता है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, P अपॉन Q, ठीक है। तो डेल्टा Q 50/20 और 100/200, ये आ गया हमारे पास 1.25। इस प्रकार सेव की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक, हम देख पा रहे हैं इकाई से अधिक है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो इलास्टिक डिमांड है वो इकाई से भी ज़्यादा है, ठीक है, इकाई से ज़्यादा है, ये वाली कीमत लोच यहाँ पर तैयार हो रही है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, कुल व्यय विधि इस रीति का प्रतिपादन। अगली कौन सी आ गई, कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि इस रीति का प्रतिपादन अर्थशास्त्री मार्शल के द्वारा, वो किसके द्वारा की गई थी, फ्लक्स के द्वारा। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन इसी के द्वारा बनते हैं, वो फ्लक्स के द्वारा, ये किसके द्वारा, मार्शल के द्वारा प्रतिपादित की गई है। यह मांग की लोच को मापने का सबसे सरल विधि है, बहुत सिंपल है। इस विधि में कीमत में परिवर्तन के कारण कुल खर्च में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जा सकती है। मार्शल के अनुसार कीमत की लोच 3 प्रकार की होती है, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इकाई से कम, 3 टाइप की होती है हम जानते हैं, ठीक है। जब कुल व्यय कीमत परिवर्तन के बाद भी समान रहे, जब कुल व्यय कीमत परिवर्तन के बाद भी समान रहे तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है उसको फिक्स है कि मेरे को भैया इस चीज़ पर क्या करना है, ₹100 का ही खर्चा करना है, ठीक है, फिक्स करके चल रहा है दिमाग के अंदर, मेरे को ₹100 का ही खर्चा करना है। कभी कोई चीज़ है वो ₹5-5 की चीज़ आ रही थी तो वो 5x20 खरीद लेगा, ठीक है, और खर्चा कितना करेगा, 100 का ही करेगा। अगर वही चीज़ ₹10 की हो जाती है तो वो 10 ही खरीद लेगा, खर्चा कितने का करेगा, 100 का ही करेगा। और अगर वही चीज़ ₹1 की मिलने लग जाए तो वो 100 खरीद लेगा लेकिन खर्चा कितना करेगा, 100 का ही करेगा। यानी कि कुल व्यय कीमत परिवर्तन के बाद भी समान रहती है, कीमत कुल व्यय जो खर्चा है वो कितना ही परिवर्तन कर दो हमेशा समान रहे तो वहाँ पर मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर हो जाएगी, यूनिट बराबर हो जाएगी, ओके। यदि कीमत परिवर्तन के बाद कुल व्यय पहले से कम हो जाता है, यदि कीमत परिवर्तन के बाद में जो कुल व्यय है वो पहले से कम हो जाता है, मान लीजिए पहले कोई चीज़ ₹10 की आ रही थी अब वो ₹8 की आ रही है, यानी खर्चा क्या हो गया, कम हो गया, वो कम ही कर रहा है उसमें, वो 4-5 नहीं खरीदेगा, वो कम ही खर्चा करेगा, तो इसमें मांग की कीमत लो इकाई से कम हो गई। और कुल व्यय पहले से ज़्यादा होने लग गया, ₹10 की चीज़ ₹12 मिलने लग गई तो खर्चा ज़्यादा होने लग गया तो फिर वो आगे चली जाती है, इकाई से अधिक मानी जाती है। तो तीनों कंडीशन समझ में आ गई होगी आपको, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अब यहीं पर ये देखो मैंने एकदम डिफाइन किया हुआ एक एक चीज़ को। सबसे पहले ED इज इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पर ये देख लीजिए खर्चा कितना करना है, टेबल से समझ में आएगी सारी बात। देखो मैंने कहा ना कुल व्यय क्या रख देंगे हम, जो टोटल खर्चा है वो हमेशा सेम रखना है, ठीक है ना। वस्तु की कीमत 10 है, 20 खरीद लो, 10x20, ठीक है ना। वस्तु की कीमत ₹8 की है, मांग की मात्रा 25 कर दो, खर्चा 200 ही करना है। 4 है, मांग की मात्रा 50 कर दो, खर्चा 200 ही करना है। यानी आपको यहाँ समझ में आ चुका है कि खर्चा क्या करना है, सेम, तब ED इज इक्वल्स टू 1। सेकंड टेबल क्या है, सेकंड टेबल है जब मांग की लोच इकाई से अधिक हो जाए, मांग की लोच इकाई से अधिक हो जाएगी तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें चीज क्या हो रही है, देखो वस्तु की जो कीमत है 10x8=4 कम होती जा रही है, वस्तु की कीमत क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और मात्रा जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, 20, 35, 80,
मात्रा भी बढ़ रही है, कीमत कम होने के साथ साथ, देखिए कीमत कम होने के साथ साथ डिमांड अगर बढ़ जाती है, कीमत कम होने के साथ साथ डिमांड बढ़ जाती है तो हमारा देखिए खर्चा जो है वो भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ED इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1। तीसरा समझिए, यहाँ पर वही देखिए, यहाँ पर ये कम होता जा रहा है और ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण हमारा खर्चा लेकिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, खर्चा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है विद्यार्थियों, इसमें ED इज माइनस 1 मतलब कम हो जाएगा, ED 1 से भी कम हो जाएगा। तो ये मांग की लो जो इकाई से कम, हालांकि इनके सबके ग्राफ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो इससे हमने तीन बातें स्पष्ट हो जाती है, क्या कि मांग की लोच इकाई के बराबर होने अर्थात लोचदार मांग होने पर कुल व्यय कीमत परिवर्तन होने पर पूर्ववर्त रहता है, यानी खर्चा बराबर होगा, मांग की कुल इकाई से अधिक अर्थात लोचदार मांग होने पर कुल खर्च विपरीत दिशा में जाएगा, और मांग की लोच इकाई से कम बेलोच होने पर कुल व्यय समान दिशा में बदलते रहते हैं। अगला है ज्यामिति या बिंदु विधि। ये क्या है जी, इस विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच का पता लगाने के लिए किया जाता है। मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर कीमत लोच बराबर नहीं होती है, वह अलग अलग होती है। जिस बिंदु पर वह मांग की लोच ज्ञात करनी होती है उस बिंदु के ऊपर के हिस्से तथा नीचे के हिस्से की सहायता से निम्न सूत्र के द्वारा निकाला जा सकता है। ED अगर आपको निकालनी है तो ED इज इक्वल्स टू PB PA। PB बिंदु के नीचे का हिस्सा और PA बिंदु के ऊपर का हिस्सा, बस इतना ही इसमें समझना है। क्या है, यदि दोनों हिस्से बराबर है तो मांग की लोच इकाई के बराबर है, यदि नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से ज़्यादा होता है, नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से ज़्यादा होता है तो इकाई ज़्यादा है, और नीचे का हिस्सा ऊपर कम है तो मांग की लोच इकाई से कम है। बस नीचे का ही सारा इफेक्ट है। देखो क्या है, ये देखिए यहाँ पर समझिए, ये वो ग्राफ है, ग्राफ से एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ED जिकोस अनंत है, यहाँ पर ED ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर अगर देखो इस यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया ना, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि ये पार्ट क्या है, नीचे वाला पार्ट ज़्यादा है और ऊपर वाला पार्ट क्या है, कम है, तो ये 1 से ग्रेटर देन है। जब यहाँ पर आ जाता है तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों समान हो जाता है, ऊपर भी बराबर है नीचे भी बराबर है, ऊपर 2 सेंटीमीटर तो नीचे भी 2 सेंटीमीटर, तो ये बराबर हो गई। लेकिन जब इस पर पॉइंट आउट किया जाता है तो ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा और नीचे वाला पार्ट कम हो जाता है। समझिए इस बात को विद्यार्थियों, जब मैं यहाँ पर पॉइंट कर देता हूँ तो ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा और नीचे वाला पार्ट कम हो जाता है, तो यहाँ पर जो कम है सारा डिफाइन किससे हो रहा है, नीचे से ही हो रहा है, तो ED इज़ लेस देन 1। और एकदम ही नीचे वाले पॉइंट पर आ जाओ तो ED इक्वल्स टू 0 है, बात ही खत्म। एकदम सिंपल ग्राफ के माध्यम से आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। बस इतना ही आज की क्लास में, मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर यहाँ पर हो चुका है। पता है आपको, इतने क्वेश्चंस के अंदर हमने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया, एक भी चीज़ यहाँ पर छोड़ी नहीं है हमने। तो अगर आप ध्यान से इन कक्षाओं को ले रहे हैं तो डेफिनेटली परीक्षाओं में आपकी जीत निश्चिंत है, तो आप इस जीत की खुशी हमारे साथ बांटिएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।